Hello and welcome students. In this video I am going to discuss civil disobedience movement. Okay, and this study material is based on your class 8 NCERT book, that is CBSE boards. So now let's start to civil disobedience movement. Okay, a Congress session was held in Lahore on 29th December 1929 under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru. Congress declared the attainment of the Purna Swaraj as its aim. Consequently, it was decided that Independence Day will be observed. Okay, so here is some basic information about the civil disobedience movement. Okay, civil disobedience movement को हिंदी में बोलते हैं नागरिक, civil का मतलब होता है नागरिक, disobedience का मतलब होता है आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, फॉलो योर, जिसको कहते हैं कि आपके आदेशों की आज्ञा का, आपके आपकी आज्ञा का पालन ना करना. ओके, सो दिस इज डिसओबेड. ओके, एंड मूवमेंट इज, इट मींस आंदोलन इसको बोलते हैं. तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता लीडरशिप कौन करता है, लीडरशिप इसकी करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू. और यहाँ पर पूर्ण स्वराज इसका एम अनाउंसमेंट किया गया था. ओके, और यहीं से 29 दिसंबर 1929 से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने का एक प्लान भी ऑर्गेनाइज होता है. ओके, सो टू इम्पोर्टेंसी ऑफ लाहौर अधिवेशन. ओके, अभी यहाँ पर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है क्या नहीं है इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं. अभी यहाँ पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि 1929 का लाहौर अधिवेशन वो दो मायने में महत्वपूर्ण है. ओके, सो टू एंगल इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ 1929 कांग्रेस सेशन. वन इज द पूर्ण स्वराज. ओके, एंड सेकेंड इज द इंडिपेंडेंस डे. ओके, सो नेक्स्ट इज 26th January 1930s. तो अभी आपने देखा था कि 1929 की जो डेट थी, है ना, अभी ये दिसंबर महीना है और ये साल 1929 का ये लास्ट वाला मंथ है. ओके, तो वहाँ पर 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि अभी हम अगले सत्र से इंडिपेंडेंस डे को क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे. ओके, बट लाहौर अधिवेशन, वाट वॉज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू? वन इज द पूर्ण स्वराज. ओके, सेकेंड इज द इंडिपेंडेंस डे, एंड थर्ड वॉज, लिसन वेरी केयरफुली, द नेशनल फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड एंड वर्किंग कमेटी मेट इन द फेब्रुअरी एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. ओके, तो 1929 में ये डिसाइड किया गया कि जो वर्किंग कमेटी बोलते हैं कार्यकारिणी समिति को. कार्यकारिणी समिति क्या होती है? अ काउंसिल. ओके, अ काउंसिल विच इज स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम इश्यूज. ओके, कि एक ऐसी कुछ लोगों की काउंसिल होगी, कुछ एक ग्रुप होगा जिसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे और वो एज अ गवर्नमेंट डिसीजन करेगी कि अभी हमको आगे क्या करना है. ओके, तो यहाँ पर यह भी डिसाइड किया गया कि फरवरी में जो है कार्यकारिणी समिति के लोग कलेक्ट होंगे और वहीं पर जो है डिसाइड हो गया था कि डिसाइडेड टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और फरवरी में ये चीज़ डिसाइड किया गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है गांधी जी की लीडरशिप में स्टार्ट किया जाएगा. ओके, तो अभी यहाँ पर दोबारा समझें कि 1929 के जो लाहौर अधिवेशन है उसके तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए. क्या क्या? वन इज द पूर्ण स्वराज. ओके, पीएस पूर्ण स्वराज. सेकंड इज इंडिपेंडेंस डे आईडी. ओके, एंड थर्ड इज वर्किंग कमेटी विल मीट ऑन फेब्रुअरी, देन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, CDM. ओके, तो ध्यान रखिएगा तीन इश्यूज यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं. वन इज द पूर्ण स्वराज, सेकेंड इज द आईडी मीन्स इंडिपेंडेंस डे. ओके, और पहला इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 से. ओके, एंड सेकेंड CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ओके,
सो नेक्स्ट इज गांधी जी इनॉग्रेटेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाई कंडक्टिंग द हिस्टोरिक डांडी साल्ट मार्च. ओके, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग कब से होती है? ये डांडी मार्च, डांडी यात्रा इसको बोलते हैं, डांडी साल्ट मार्च. अच्छा, साल्ट मार्च इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि गांधी जी डांडी मार्च करके ही नमक कानून को तोड़ देते हैं, है ना. और जब नमक कानून को तोड़ देते हैं तो इसीलिए इसका एक और नाम डांडी साल्ट मार्च पड़ गया है. ओके, मार्च का मतलब यहाँ पर मंथ से नहीं है, मार्च का मतलब है टू बी ट्रेवल ऑन फूट. ओके, पैदल यात्रा करना. नेक्स्ट इज वेयर ही ब्रोक द साल्ट लॉ इम्पोज बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके, तो यहाँ पर डांडी मार्च जो है वो करते हैं. और एक्चुअली डांडी नाम का एक स्थान था गुजरात में. अभी आप वेट करिएगा, मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ. हाँ, आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद के तट पर गांधी जी ने बनाया था. और यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं. आप देख सकते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस कवर करते हुए अरब सागर के तट पर डांडी नाम का ये जो प्लेस है, इस प्लेस को आप ध्यान से देखेंगे, इसी प्लेस पर जो है डांडी मार्च जो है लास्ट एंडिंग पॉइंट होता है. ये यहाँ से स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को, और गांधी जी यहाँ पर पहुँचते हैं 6 अप्रैल 1930 को. ओके, तो यहीं पर गांधी जी पहुँचते हैं और उसी नमक को मुट्ठी में उठाते हैं और इस प्रकार से उस नमक कानून को गांधी जी तोड़ देते हैं. अभी आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस प्रकार से लाहौर अधिवेशन डांडी मार्च से जुड़ा हुआ है और डांडी मार्च जो है किस प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है. ओके, लिसन प्लीज. एकम्पनीड बाई हिज फॉलोअर्स, एकम्पनीड का मतलब होता है बिट टूगेदर. ओके, कि अपने फॉलोअर्स को साथ में लेकर के. गांधी जी अकेले थोड़ी ना यात्रा किए थे, उनके साथ में उनके फॉलोअर्स भी थे. गांधी जी इम्बार्क्ड ऑन अ प्रोटेस्ट मार्च फ्रॉम हिज साबरमती आश्रम टू डांडी डैट इज लोकेटेड ऑन द सोर्स ऑफ अरेबियन सी. अभी मैंने आपको अरेबियन सी के साइड बैंक पे दिखाया किस प्रकार से डांडी की लोकेशन क्या है. ओके, और किस प्रकार से साबरमती आश्रम जो है स्टार्ट करते हैं. ओके, ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी विथ हिज फॉलोअर वायलेटेड द साल्ट लॉ बाई पिकिंग अ हैंडफुल ऑफ साल्ट लेइंग ऑन सी सोर्स. सोर्स का मतलब होता है कोस्टल रीजन. ओके, तो सेम वही बातें हैं जो मैंने आपको मैप में बताया. ओके, एक बार यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं. गांधी जी स्टार्टेड 12 मार्च 1930 टू डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड एंडिंग देयर डांडी ऑन द सोर्स ऑफ अरेबियन सी एंड दे वायलेट द साल्ट लॉ. ओके, नाउ दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे कहते हैं नागरिक अवज्ञा आंदोलन और इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, CDM. ओके, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. इससे पहले जो मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था वो असहयोग आंदोलन था. ओके, और वो असहयोग आंदोलन क्या था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, उसकी डेट क्या थी, 1920. ओके, सो नेक्स्ट इज डांडी मार्च हैज एन इमेंस इम्पैक्ट ऑन द इंटायर नेशन. ओके, कि डांडी मार्च ने एक व्यापक तौर पर पूरे देश पर इम्पैक्ट छोड़ा, अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा. ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ कंट्री वॉज ग्रिप्ड इन अ यूनिक फेवर ऑफ नेशनलिज्म. ओके, सो आफ्टर नेशनल आफ्टर डांडी मार्च, ओके, यू कैन से आफ्टर वायलेशन साल्ट लॉ द ओवरऑल इंडिया वॉज स्टार्टिंग फीलिंग टू नेशनलिज्म, यू कैन से फीलिंग ऑफ यूनिटी. ओके, सून दिस एक्ट ऑफ वायलेशन द साल्ट लॉ अज्यूम्ड एन ऑल इंडिया करेक्टर. The entire nation was united under the call of single man Mahatma Gandhi. अब आप सोचिए कि इसी मूवमेंट के बाद में, ओके, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में गांधी जी का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया कि अब उनके एक बार बुलाने पर पूरे देश के लोग एकत्रित होने लगे. ओके, नेक्स्ट इज देयर वॉज अ रिपोर्ट ऑफ सत्याग्रह एंड इंस्टेंस ऑफ लॉ वायलेशन फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल एंड यूनाइटेड प्रोविंस बंगाल एंड गुजरात. ओके, बिसाइड ब्रेकिंग द साल्ट लॉ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इनकॉर्पोरेटेड पिकेटिंग ऑफ ए शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स लिक्वायर एंड
बोन फायर फॉरेन क्लॉथ्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्टिविटी करने लगे, जैसे जो विदेशी वस्त्र थे उनका बहिष्कार करने लगे, शराब का बहिष्कार करने लगे। ओके, और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी, है ना, उसको जलाने लगे लोग। तो ये एक प्रकार से, जिस प्रकार से आपने देखा कि नमक कानून को तोड़ करके गांधी जी ने अंग्रेजों का बहिष्कार किया, एक प्रकार से वही सेम प्रोसेस अब यहाँ पर इन तमाम प्रोविंस से, है ना, तमाम प्रोविंस से इन सारी चीज़ों के प्रति एक प्रकार से हेटेड एक्टिविटी सामने आने लगी। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्यूज टू पे टैक्स, लोगों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। एंड अवॉइडेंस ऑफ ऑफिस बाई वीमेन टू ज्वाइन द फोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके, दोज फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज डिड नॉट हेजिटेट टू रिस्पॉन्स द कॉल ऑफ महात्मा गांधी। तो अभी कुछ लोग, जैसे देखा होगा कि ऑर्थोडॉक्स जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग थे, जैसे महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए, है ना, एक ट्रेंड होता है ना गाँव में, तो अभी गांधी जी के कॉलिंग पे, गांधी जी के बुलाने पर वो लोग ये भी नहीं सोचती थी कि हमको घर में रहना चाहिए, वो लोग भी गांधी जी के आह्वान पे बाहर निकल जाती थी, है ना। दे टुक एक्टिव पार्ट इन द पिकेटिंग एक्सरसाइजेज परटर्ब्ड बाई द ग्रोविंग पॉपुलैरिटी ऑफ द मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्प्रिजन्ड ऑफ महात्मा गांधी। ओके, तो अभी समझ सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आगे कौन सी एक्टिविटी करेगी कि कोई इतना फेमस आदमी हो रहा है जो उसके एक आह्वान पे, उसके जो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ लोग विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे हैं, विदेशी ऑफिस जितने भी दफ्तर हैं ऑफिस हैं उनको एक प्रकार से बाइकआउट कर रहे हैं, विदेशी जितने भी गुड्स हैं सामान हैं उनका बाइकआउट कर रहे हैं, अब तो महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। तो अंग्रेजों ने देखा जब गांधी जी की इस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही है, सो दे स्टार्टेड टू इम्प्रिजन ऑफ महात्मा गांधी। ओके, इफ माई क्वेश्चन इज आफ्टर स्टार्टिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी हैज़ फाइंड इम्प्रिजन, देन योर आंसर विल बी यस। ओके, कि क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट के बाद महात्मा गांधी को जेल हुई थी, सो आंसर इज यस। एंड जवाहरलाल नेहरू, ओके, तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक प्रकार से महात्मा गांधी के फॉलोअर्स थे, तो इन लोगों को इम्प्रिजनमेंट होती है, जेल होती है। दस द सेकेंड स्ट्रगल फॉर अटेनिंग स्वराज लॉन्च बाई द कांग्रेस अंडर एबल गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी सर्व द क्रिटिकल फंक्शन ऑफ मोबिलाइजिंग मैसेज ऑन अ लार्ज स्केल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इस प्रकार से महात्मा गांधी की अगुवाई में एक स्वराज, स्वराज मीन्स आई एम नॉट एक्सेप्ट योर सॉवरेजिनिटी, मैं ब्रिटिश की, ब्रिटिशर्स की अधीनता, ब्रिटिशर्स की प्रभुता को अब नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज स्वराज। और एक प्रकार से ये स्वराज का सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है, और किसकी अगुवाई में, महात्मा गांधी की अगुवाई में। तो आपने किस प्रकार से 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का कांग्रेस का लाहौर सेशन आपने पढ़ा, और 1929 के लाहौर सेशन से किस प्रकार से इंडिपेंडेंस डे रिलेटेड होता है, जो कि 26 जनवरी 1930 से सेलिब्रेट होने का एक प्रकार से प्लान फिक्स होता है, और इसी सेलिब्रेशन के बाद, ओके, क्या जब फरवरी में वर्किंग कमेटी मिलेगी तो वहाँ पर क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। ओके, एंड आफ्टर डेट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आफ्टर डेट 12 मार्च 1930 को क्या स्टार्ट होता है, 12 मार्च 1930 को। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना, ये 26 जनवरी 1930 है, ये 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं स्टार्ट होता। ओके, दो बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं आपको आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। 12 मार्च 1930 को, ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं स्टार्ट होता है। ओके, 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च स्टार्ट होता है। ओके, 6 अप्रैल, ओके, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। ओके, कंफ्यूजन नहीं रखना है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था, किसके लिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा, तो क्या होगा, 12 मार्च 1930 होगा या 6 अप्रैल 1930 होगा, नहीं, 6 अप्रैल 1930s। ओके, आई होप योर डाउट्स विल बी क्लियर। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यूज कमेंट बॉक्स।